हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे बेसन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और खाने में ये सच में लाजवाब है। बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बड़े 2 चम्मच हमने बेसन के ले लिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, आधे चम्मच के करीब नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें ग्रीन हरी चिल्ली ऐड करेंगे। एक इसमें हमने प्याज ऐड किया और फ्रेश धनिया ऐड किया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका जो पेस्ट बनाना हमने लिक्विड बनाना वो बहुत स्मूथ बनाना है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हमने तवे को गर्म कर लिया, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसके ऊपर हम ये बेसन को डाल देंगे। सो जैसे हम चीला बनाते हैं ना, सेम इसका बनाने का प्रोसेस वही है। तो आप मान लीजिए कि हम बेसन का चीला बना रहे हैं, लेकिन इसकी जो रेसिपी है ना वो सच में लाजवाब रहेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये बेसन की रेसिपी कैसी बनी। तो हमारा एक चिल्ला बन चुका है। तो आप देख रहे हो कि कितना क्रंची बना है। अगर आप इसको और भी क्रंची बनाना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो ऐसे हम सारे चिल्ले बना लेंगे। इसकी थोड़ी साइड चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। आप इसकी जब साइड चेंज करो तब आप सावधानी से चेंज कीजिए। तो अभी हमारे सारे चिल्ले रेडी हो चुके हैं, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। आप स्लाइसेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप बहुत ही क्रिएटिव हो तो आप इसके स्लाइसेस किसी भी लुक में कट कर सकते हो। तो मैं तो इसके स्लाइसेस बिल्कुल सिंपल लुक में ही कट कर रही हूँ। आप इसके स्लाइसेस किसी भी लुक में कट कर सकते हो। ऐसे ही हमने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमने पैन ले लिया। अब इसमें हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाला, आधा चम्मच इसमें हमने जीरे का ऐड किया है और इसमें हमने बड़े 2 प्याज लंबे चॉप किए हुए ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और ये आधा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए और छोड़ेंगे। और साथ में इसमें हमने ऐड कर दिया आधा चम्मच किचन किंग मसाला। तो ऐसे इसको अच्छे से पकाना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से अच्छे से पकाएंगे। जब हमारा ये पानी सूख जाएगा, इस मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हमने पूरा प्रॉपर पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पकाएंगे क्योंकि ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी को पहले से अच्छे से पका लेंगे। तो इसको पकाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे जो पीसेस हमने कट किए हैं। तो अब बेसन के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। बेसन के पीसेस ऐड करने के बाद इसको हमने
गैस पे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, इसको हमने 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे, जस्ट 1 से 2 मिनट ही इसको हीट पे रखना है। तो अब हमारा जो बेसन की रेसिपी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हो कि देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। तो गाइस आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो मटेरियल है वो हमारे किचन में अवेलेबल्स रहता ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो लास्ट में इसमें हमने हरा कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। सो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।